नमस्कार, स्टोरी विद नीति में आपका स्वागत है। तो ये सुनते हैं उपन्यास निर्मला का आठवां भाग, मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ। निर्मला, अरे पगली, तू अभी तक ना समझी, वे मेरे पैरों पर गिरकर और माता पुत्र का संबंध दिखाकर अपने बाप के दिल से वह संदेह निकाल देना चाहता था, केवल इसीलिए वह उठा था। मेरा क्लेश मिटाने के लिए उसने प्राण दिए और उसकी वह इच्छा पूरी भी हो गई। तुम्हारे जीजा जी उसी दिन से सीधे हो गए, अब तो उनकी दशा पर मुझे भी दया आती है। पुत्र शोक उनके प्राण लेकर ही छोड़ेगा, मुझ पर संदेह करके मेरे साथ जो अन्याय किया है अब उसका प्रतिशोध कर रहे हैं। अब की उनकी सूरत देखकर तो डर जाएगी, बूढ़े बाबा हो गए हैं और कब्र भी झुक चली है। कृष्णा, अच्छा बुढ़े लोग इतने शक्के क्यों होते हैं दीदी? निर्मला, ये जाकर बुढ़ों से पूछ। कृष्णा, मैं समझती हूँ उनके दिल में ना हरदम एक चोर सा बैठा होगा, कि इस युति को प्रसन्न नहीं रख सका तो इसलिए जरूर जरा जरा सी बात पर उन्हें शक होने लगता होगा। निर्मला, जानती तो है फिर मुझसे क्यों पूछती है? कृष्णा, इसीलिए बेचारा इसी से दबता भी होगा, देखने वाले समझते होंगे कि ये बहुत प्रेम करता है। निर्मला, अच्छा तुमने इतने ही दिनों में इतनी बातें कहां से सीख ली? अच्छा इन बातों को जाने दे, बता तुझे अपना वर तो पसंद है ना, उसकी तस्वीर तो देखी होगी तूने। हाँ जीजी, आई तो थी, लाऊं देखोगी? एक क्षण में कृष्णा ने तस्वीर लाकर निर्मला के हाथ में रख दी। निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, अरे वाह, तू तो बड़ी भगवान है रे। कृष्णा, हाँ अम्मा जी ने भी बहुत पसंद किया दीदी। निर्मला, अच्छा तुझे पसंद है कि नहीं, सब कह दे, दूसरों की बात ना चला अपनी बात कर। कृष्णा, वो जीजी मैं क्या कहूँ, शक्ल सूरत तो बुरी नहीं है, स्वभाव का हाल ईश्वर जाने। शास्त्री जी तो कहते थे ऐसे सुशील और चरित्रवान युवक कम ही होंगे। निर्मला, अच्छा यहां से तेरी तस्वीर भी गई थी? कृष्णा, गई तो थी, शास्त्री जी तो ही लेकर गए थे। निर्मला, उन्हें पसंद आई? कृष्णा, अब किसी के मन की बात मैं क्या जानू जीजी, शास्त्री जी तो कहते थे बहुत खुश हो गए थे। निर्मला, अच्छा पता तुझे क्या उपहार दूं, अभी से बता दे ताकि बनवा के रखूं। कृष्णा, जो चीज है तुम्हारा दे देना दीजी, उन्हें पुस्तकों से बहुत प्रेम है, अच्छी अच्छी पुस्तकें ही मंगवा देना। निर्मला, धत तेरी, उनके लिए थो ना पूछती हूँ, पगली तेरे लिए पूछती हूँ। कृष्णा, अपने लिए ही तो कह रही हूं मैं। निर्मला, अरे वाह, तस्वीर में तो ये सब खद्दर के कपड़े पहने मालूम होते हैं। कृष्णा, हाँ खद्दर के बड़े प्रेमी हैं जीजी, सुनती हूँ कि पेट पर खद्दर लाद कर देहातों में बेचने जाया करते हैं, व्याख्यान देने में भी चतुर हैं। निर्मला, अच्छा तब तो तुझे भी खद्दर पहनना पड़ेगा, तुझे तो मोटो कपड़ों से चिढ़ है ना। कृष्णा, अब जब उन्हें मोटे कपड़े अच्छे लगते हैं जीजी तो मुझे क्यों ना चिढ़ होगी उनसे, मैंने तो चरखा चलाना भी सीख लिया है। निर्मला, अच्छा सच, तो सूट निकाल लेती है? कृष्णा, हाँ जीजी थोड़ा थोड़ा निकाल लेती हूँ, जब वह खद्दर के इतने प्रेमी हैं तो चरखा भी जरूर चलाते होंगे, मैं ना चला सकूंगी तो मुझे कितना लज्जित होना पड़ेगा। इस तरह बातें करते करते दोनों बहनें सो गई। कोई 2 बजे रात को बच्ची रोई तो निर्मला की नींद खुली, देखा तो कृष्णा की चारपाई खाली पड़ी थी। निर्मला को आश्चर्य हुआ कि इतनी रात गए कृष्णा कहाँ चली गई, शायद पानी वानी पीने गई हो, मगर पानी तो सिराने ही रखा हुआ है, फिर कहाँ गई है। उसे 2-3 बार उसका नाम लेकर आवाज दी पर कृष्णा का पता ही ना था। तब तो निर्मला भी घबरा उठी, उसके मन में भांति भांति की शंकाएं होने लगी। सहसा उसे ख्याल आया कि शायद अपने कमरे में ना चली गई हो। बच्ची सो गई तो वह उठकर कृष्णा के कमरे के द्वार पर आ गई। उसका अनुमान भी ठीक निकला, कृष्णा अपने कमरे में आ गई थी, सारा घर सो रहा था और वह बहन जी बैठकर चरखा चला रही थी। इसी तन्मयता से शायद उसने कभी थिएटर भी ना देखा होगा। निर्मला तंग रह गई, अंदर जाकर बोली, ये क्या कर रही है, ये चरखा चलाने का समय है? कृष्णा, ओ जीजी तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी नींद कैसे खुल गई, और पानी वानी तो जीजी मैंने वहां रख दिया था,
तो तुम उठ कैसे गई हो? यहां क्या कर रही हो? जाओ बच्ची अकेली होगी। निर्मला, मैं कहती हूं दिन को तुझे समय नहीं मिलता, जो पिछली रात को चरखा चलाकर बैठी है। कृष्णा, जी जी दिन को फुर्सत नहीं मिलती ना। निर्मला, अरे वाह, सूत तो बहुत महीन है। कृष्णा, कहां जीजी, ये सूत तो मोटा है, मैं बारीक सूत घात करना उनके लिए साफा बनाना चाहती हूँ, यही मेरा उपहार होगा मेरी तरफ से। निर्मला, अरे वाह, तू कब से इतनी सयानी हो गई? अरे बात तो तूने खूब सोची है, इससे अधिक मूल्यवान वस्तु उनकी दृष्टि में और क्या होगी। अच्छा उठ, इस वक्त कल काटना, कहीं बीमार पड़ जाएगी तो सब धरा रह जाएगा। कृष्णा, नहीं जीजी, तुम चलकर सो, मैं अभी आती हूँ। निर्मला ने अधिक आग्रह ना किया और लेटने चली गई, मगर किसी तरह नींद ना आई। कृष्णा की उत्सुकता और उमंग देखकर उसका हृदय किसी अलक्षित आकांक्षा से आंदोलित उठा। ओह, इस समय इसका हृदय कितना प्रफुल्लित हो रहा है, अनुराग ने इसे कितना उन्मत्त कर रखा है। तब उसे अपने विवाह की याद आई, जिस दिन तिलक गया था उसी दिन से उसकी सारी चंचलता सारी सजीवता विदा हो गई थी। अपनी कोठरी में बैठी वह अपनी किस्मत को रोती थी और ईश्वर से विनय करती थी कि प्राण निकल जाएं। अपराधी जैसे दंड की प्रतीक्षा करता है, उसी भांति वह विवाह की प्रतीक्षा करती थी, उस विवाह की जिसमें उसके जीवन की सारी अभिलाषाएं विलीन हो जाएंगी। जब मंडप के नीचे बने हुए हवन कुंड में उसकी आशाएं जलकर भस्म हो जाएंगी। महीना करते देर न लगी, विवाह का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा, मेहमानों से भी घर भर गया। मुंशी तोताराम एक दिन पहले ही आ गए और उनके साथ निर्मला की सहेली भी आ गई। निर्मला ने बहुत आग्रह ना किया था, वह खुद आने को उत्सुक थी। निर्मला की सबसे बड़ी उत्कंठा यही थी कि वर के बड़े भाई के दर्शन करूंगी और हो सकता तो उसकी बुद्धि पर धन्यवाद भी दूंगी। सुधा ने हंसकर कहा, अच्छा तुम उनसे बोल सकोगी? निर्मला, क्यों, बोलने में क्या हानि है, अब तो दूसरा ही संबंध हो गया है, मैं ना बोल सकूंगी तो तुम ही तो हो, तुम बोल देना मेरी तरफ से। सुधा, ना भाई मुझसे ये ना होगा, मैं पराये मर से नहीं बोल सकती, ना जाने कैसे आदमी हूँ। निर्मला, आदमी तो बुरे नहीं है, और फिर उनसे कुछ विवाह तोरण करना है, जरा सा बोलने में क्या हानि है, डॉक्टर साहब यहाँ होते तो मैं तुम्हें आज्ञा दिला देती। सुधा, अच्छा जो लोग हृदय के उदार होते हैं क्या चहित के भी अच्छे होते हैं, पराई स्त्री को घूरने में तो किसी मर्दों को संकोच नहीं होता। निर्मला, अच्छा ना बोलना, मैं ही बातें कर लूंगी, घूर लेंगे जितना उनसे घूरते बनेगा, बस अब तो राजी हुई। इतने में कृष्णा आकर बैठ गई। निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, सच बता कृष्णा, तेरा मन इस वक्त क्यों चाट हो रहा है? कृष्णा, जीजा जी बुला रहे हैं, पहले जाकर सुनाओ, पीछे गप्पे लड़ाना बहुत बिगड़ रहे हैं। निर्मला, क्या है, तूने कुछ पूछा नहीं? कृष्णा, कुछ बीमार से मालूम होते हैं, बहुत दुबले भी तो हो गए हैं। निर्मला, तो जरा बैठकर उनका मन ही बहला देती, यहाँ दौड़ी क्यों चली आई, ये कहो ईश्वर ने कृपा की, नहीं तो ऐसा ही पुरुष तुझे भी मिलता। जरा बैठकर बातें करो, बुढ़े बातें बड़ी लच्छेदार करते हैं, जवान इतने ढींगेल नहीं होते। कृष्णा, अच्छा जीजी तुम जाओ, मुझसे तो वहां बैठा नहीं जाता। निर्मला चली गई तो सुधा ने कृष्णा से कहा, अब तो बारात आ गई होगी, द्वार पूजा क्यों नहीं होती? कृष्णा, क्या जाने दीदी, शास्त्री जी सामान इकट्ठा कर रहे हैं। सुधा, सुना है दूल्हा की भावच बड़े कड़े स्वभाव की स्त्री है। कृष्णा, कैसे मालूम आपको? सुधा, मैंने सुना है, इसलिए चेताई देती हूँ, चार बातें गम खाकर रहना होगा। कृष्णा, मेरे झगड़ने की आदत नहीं, जब मेरी तरफ से कोई शिकायत ही ना पाएंगी तो क्या अनायास ही बिगड़ेंगी मुझ पर। सुधा, हाँ सुना तो ऐसा ही है, झूठ मूठ लड़ाई करती रहती है। कृष्णा, मैं तो सौभाग्य की एक बात जानती हूँ दीदी, नम्रता पत्थर को भी मोम कर देती है। सहसा शोर मचा, बारात आ रही है, दोनों रमणियां खिड़की के सामने आ बैठी। एक क्षण में निर्मला भी यहां पहुंची, वर के बड़े भाई को देखने की उसे बड़ी उत्सुकता हो रही थी। सुधा ने कहा, कैसे पता चलेगा कि बड़े भाई कौन है? निर्मला, शास्त्री जी से पूछूं तो मालूम हो, हाथी पर तो कृष्णा के ससुर महाशय हैं। अच्छा डॉक्टर साहब यहाँ कैसे आ पहुंचे, वे घोड़े पर क्या है, देखती नहीं हो क्या? सुधा, हाँ है तो वही। निर्मला, अच्छा उन लोगों से मित्रता होगी है ना, कोई संबंध तो नहीं है? सुधा, अब भेंट हो तो पूछूं, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। निर्मला,
पालकी में जो महाशय बैठे हुए हैं वो तो दूल्हे के भाई जैसा नहीं दिखता है ना। सुधा, बिल्कुल नहीं मालूम होता है, सारी देह में पेट ही पेट है। निर्मला, ये दूसरे हाथी पे कौन बैठा है, समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। सुधा, कोई भी हो दूल्हे का भाई नहीं हो सकता, उसकी उम्र नहीं देखती हो, 40 के ऊपर होगी। निर्मला, शास्त्री जी को तो इस वक्त द्वार पूजा के फिक्र में है ना, नहीं तो उनसे ही पूछती। संयोग से नाई आ गया, संदूकों की कुल्लियां निर्मला के पास ही थी, इस वक्त द्वार चार के लिए कुछ रुपए की जरूरत थी, माता ने भेजा था। ये नाई भी पंडित मोटे राम जी के साथ तिलक लेकर गया था। निर्मला ने कहा, क्या अभी रुपए चाहिए? नाई, हाँ बहन जी चलकर दे दीजिए तो अच्छा होगा। निर्मला, अच्छा चलती हूँ, पहले ये तो बताओ दूल्हे के बड़े भाई को पहचानते हो? नाई, अब मैं ना पहचानूंगा जी भाई तो कौन पहचानेगा भाई मालकिन, वो क्या है सामने देखो तो जरा। निर्मल, कहाँ मैं तो नहीं देखती। अरे अरे वो क्या घोड़े पे सवार है, वही तो है। निर्मला ने चकित होकर कहा, क्या कहता है, घोड़े पे सवार है वो दूल्हे के भाई है, अरे पहचानता भी है कि ऐसी अटकल लगा रहा है। नाई, अरे बहन जी क्या इतना भुलक कर जाऊंगा मैं, अभी तो जलपान करके सामने से दिए चला आता हूँ। निर्मला, अरे ये तो डॉक्टर साहब हैं, मेरे पड़ोस में रहते हैं। नाई, अच्छा हाँ हाँ वही तो डॉक्टर साहब हैं। बहन जी आपको विश्वास करना हो करिए, नया करना हो ना करिए। निर्मला ने सुधा की ओर देखकर कहा, सुनती हो बहन इसकी बातें? सुधा ने हंसी रोककर कहा, झूठ बोलता है ये। नाई, अच्छा साहब झूठ ही सही, अब बड़ों के मुंह कौन लगे, अभी शास्त्री जी से पूछवा दूंगा तब तो मानिएगा। नाई के आने में देर हुई, मोटे राम खुद आंगन में आकर शोर मचाने लगे, इस घर की मर्यादा रखना ईश्वर के ही हाथ में है, नाई घर घंटे भर से आया हुआ है और अभी तक रुपए नहीं मिले। निर्मला, जरा यहाँ चले आइएगा शास्त्री जी, कितने रुपए दरकरार है निकाल दूं अभी। शास्त्री जी भुनभुनाते और जोर जोर से हांफते हुए ऊपर आए और एक लंबी सांस लेकर बोले, क्या है ये बातों का समय नहीं है, जल्दी से रुपए निकाल दो। निर्मला, लीजिए निकाल तो रही हूँ, अब क्या मुंह के बल गिर पड़ूं, पहले ये बताइए कि दूल्हे के बड़े भाई कौन है। शास्त्री जी, राम राम राम, इतनी सी बात के लिए मुझे आकाश पर लटका दिया तुम लोगों ने, नाई क्या नहीं पहचानता था। निर्मला, अरे नाई तो कहता है पंडित जी वो जो घोड़े पे सवार है वही है। शास्त्री जी, तो फिर किसे बता दे, वही तो है तो उन्हीं को तो बताएगा। नाई, घड़ी भर से कह रहा हूं शास्त्री जी पर ये बहन जी मानती नहीं, माथा खराब करके रख दिया इन्होंने। निर्मला ने सुधा की ओर स्नेह ममता विनोद कृत्रिम तिरस्कार के दृश्य से देखकर कहा, अच्छा तो तुम ही अब तक साथ मेरे साथ ये तेरिया चरित्र खेल रही थी, मैं जानती तो तुम्हें यहाँ बुलाती ही नहीं। ओफो बड़ा गहरा पेट है तुम्हारा बैर, तुम महीनों बसे मेरे साथ शरारत कर ली जाती हो और कभी भूल से भी इस विषय का एक शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकला, मैं तो दो चार ही दिन में उबल पड़ती। सुधा, अच्छा तुम्हें मालूम हो जाता तो तुम मेरे यहाँ आती ही क्यों। निर्मला, गजब रे गजब, मैं डॉक्टर साहब से कई बार बातें कर चुकी हूँ, तुम्हारे ऊपर ये सारा पाप पड़ेगा, देखा कृष्णा तूने अपनी जेठानी की शरारत, ये बहुत मायाविनी है, इनसे जरा डर के रहना। कृष्णा, मैं तो ऐसी देवी के चरण धो धो कर माथे चढ़ाऊंगी जीजी, धन्य भाग कि मुझे इनके दर्शन हुए। निर्मला, अच्छा अब समझ गई, रुपए भी ना तुमने भिजवाए थे, अब ना कि ना तो सच कहती हूँ मार बैठूंगी। सुधा, अच्छा अपने घर बुलाकर कोई मेहमान का अपमान करता है। निर्मला, देखो तो अभी कैसी कैसी खबरें लेती हूँ, मैंने तुम्हारा मान रखने को जरा सा लिख दिया था और तुम सचमुच यहाँ पहुंची, भला वहां वाले क्या कहते होंगे। सुधा, सबसे कहकर आई हूँ। निर्मला, अच्छा अब तुम्हारे पास कभी ना आऊंगी, इतना तो इशारा कर देती कि डॉक्टर साहब से पर्दा रखना है। सुधा, उनके देख लेने ही से कौन बुराई हो गई, ना देखते तो अपनी किस्मत को रोते कैसे, जानते हैं कि कैसे की लोभ में पड़कर कैसी चीज खो दी, अब तुम्हें देखकर लालच जी हाथ मलकर रह जाते होंगे, मुंह से तो कुछ नहीं कहते पर मन में अपनी भूल पर पछताते ही होंगे बहन। निर्मला, अच्छा अच्छा अब तुम्हारे घर कभी ना आऊंगी। सुधा, अब फिर नहीं छूट सकता, मैंने कौन तुम्हारे घर की राह नहीं देखी है। द्वार पूजा समाप्त हो चुकी थी, मेहमान लोग बैल्ट जलपान कर रहे थे, मुंशी जी की बगल में ही डॉक्टर सिन्हा बैठे हुए थे। निर्मला ने कोठे पर टिक चिक की आंख से उन्हें देखा और कलेजा थाम कर रह गए, एक आरोग्य यौवन और प्रतिभा का देवता था पर दूसरा इस विषय में कुछ न कहना ही उचित है।
निर्मला ने डॉक्टर साहब को सैकड़ों ही बार देखा था, पर आज उसके हृदय में जो विचार उठे वे कभी ना उठे थे। बार बार यही जी चाहता था कि बुलाकर खूब फटकारूं, ऐसे ऐसे ताने मारूं कि वह भी याद करे, रुला रुला कर छोड़ूं, मगर रहम करके रह जाती थी। भारत जनवासे से चली गई थी, भोजन की तैयारी हो रही थी। निर्मला भोजन के थाल चुनने में व्यस्त थी। सहसा महरी ने आकर कहा, बिट्टी तुम्हें सुधा रानी बुला रही, तुम्हारे कमरे में बैठी हैं। निर्मला ने थाल छोड़ दिए और घबराई हुई सुधा के पास आकर अंदर कमरे रखते ही ठिठक गई। डॉक्टर सिन्हा खड़े थे। सुधा ने मुस्कुरा कर कहा, लो बहन बुला दिया, अब जितना चाहे फटकारो, मैं दरवाजा रोके खड़ी हूं, भाग नहीं सकते ये। डॉक्टर साहब, भागना कौन है, यहां तो सिर झुकाए खड़ा हूं। निर्मला ने हाथ जोड़कर कहा, इसी तरह आपकी सदा कृपा दृष्टि रखिएगा, भूलना चाहिएगा, ये मेरी विनय है। कृष्णा के विवाह के बाद सुधा चली गई, लेकिन निर्मला मैके में ही रह गई। वकील साहब बार बार लिखते थे पर वह ना जाती थी। वहां जाने को उसका जी नहीं चाहता था, वहां कोई ऐसी चीज ही ना थी जो उसे खींच ले जाए। यहाँ माता की सेवा और छोटे भाइयों की देखभाल में उसका समय बड़े आनंद से कट जाता था। वकील साहब खुद आते तो शायद वह आने पर राजी हो जाती, लेकिन इस विवाह में मोहल्ले की लड़कियों ने उनकी वह दुर्गत की थी कि बेचारे आने का नाम ही न लेते थे। सुधा ने कई बार पत्र लिखा, पर निर्मला ने उससे भी हीले हवाले किया। आखिर एक दिन सुधा नौकर को साथ लिए स्वयं आधम की। जब दोनों गले मिल चुकी तो सुधा ने कहा, तुम्हें तो वहां जाते मानो डर लगता है। निर्मला, हाँ डर तो लगता है, ब्याह की गई 3 साल में आई हूं, अब की तो वहां उम्र ही खत्म हो जाएगी, फिर कौन बुलाता है और कौन आता है। सुधा, अच्छा आने को क्या हुआ, जब जी चाहे चली आना, वहां के साहब बहुत बेचैन हो रहे हैं। निर्मला, बहुत बेचैन, रात को शायद नींद ना आती हो, है ना। बहन तुम्हारा कलेजा पत्थर का है क्या, उनकी दशा देखकर तो तरस आता है। कहते थे घर में कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई लड़का ना बाला, किससे जी बहलाए, जब से दूसरे मकान में उठाए हैं बहुत दुखी रहते हैं। निर्मला, लड़के तो ईश्वर के दिए दो दो हैं उनके। सुधा, अरे क्या बात करती हो, उन दोनों की तो बड़ी शिकायत करते थे। जी आराम तो अब बात ही नहीं सुनता, तुर्की बतुर्की जवाब देता है, और रहा छोटा वह भी उसी के कहने में है, बेचारे बड़े लड़के की याद कर करके रोया करते हैं। निर्मला, अच्छा जी आराम तो शरीफ था, वह बदमाशी कब से सीख गया, मेरी तो कोई बात ना टालता था, इशारे पर काम करता था। सुधा, अब क्या जाने बहन, सुना कहता है आप ही ने भैया को जहर देकर मार डाला, आप हत्यारे हैं, कई बार तुमसे विवाह करने के लिए ताने भी दे चुका है, ऐसी ऐसी बातें कहता है कि वकील साहब रो पड़ते हैं। अरे और तो क्या कहूं, एक दिन पत्थर उठाकर माने दोना था। निर्मला ने गंभीर चिंता में पड़कर कहा, ये लड़का तो बड़ा शैतान निकला, उसे ये किसने कहा कि उसके भाई को उन्होंने जहर दे दिया है। सुधा, वह तुम्हें से ठीक होगा। निर्मला को ये नई चिंता पैदा हुई, अगर जिया की यही रंग है, अपने पास से लड़ने पर तैयार रहता है तो मुझसे क्यों दबने लगा। वह रात को बड़ी देर तक इसी फिक्र में डूबी रही। मनसाराम की आज उसे बहुत याद आई, उसके साथ जिंदगी आराम से कट जाती। इस लड़के का जब अपने पिता के सामने ही यह हाल है तो उनके पीछे उसके साथ कैसे निर्वाह होगा। घर हाथ से निकल ही गया, कुछ ना कुछ कर्ज भी अभी सिर पर होगा, आमदनी का ये हाल है, ईश्वर ही बेड़ा पार लगाए तो होगा। आज पहली बार निर्मला को बच्चों की फिक्र पैदा हुई, इस बेचारी का ना जाने क्या हाल होगा, ईश्वर ने ये विपत्ति मेरे सिर डाल दी, मुझे तो इसकी जरूरत नहीं थी। अरे जन्म ही लेना था तो किसी भगवान के घर जन्म लेती। बच्ची उसकी छाती से लिपटी हुई सो रही थी, माता ने उसको और भी चिपटा लिया, मानो कोई उसके साथ से उसे छीने लिए जाता है। निर्मला के पास ही सुधा की चारपाई भी थी। निर्मला तो चिंता सागर में गोता खा रही थी और सुधा मीठी नींद का आनंद उठा रही थी। क्या उसे अपने बालक की फिक्र सताती थी। मृत्यु तो बूढ़े और जवान का भेद नहीं करती, फिर सुधा को कोई चिंता क्यों नहीं सताती, उसे तो कभी भविष्य की चिंता से उदास ही नहीं देखा। सहसा सुधा की नींद खुल गई, उसे निर्मला को अभी तक जागते देखा तो बोली, अरे सुधा, अरे निर्मला अभी तुम सोई नहीं। नहीं नींद ही नहीं आती। सुधा, अच्छा आंखें बंद कर लो, अभी नींद आ जाएगी, मैं तो चारपाई पे ही मरते सोच पड़ते मर जाती हूँ, वह जागते भी हैं तो खबर नहीं होती।
ना जाने मुझे क्यों इतनी नींद आती है। हाँ, शायद मुझे कोई रोग है। निर्मला, हाँ बड़ा भारी रोग है तुझे, इसे राज रोग कहते हैं, डॉक्टर साहब से कहो दवा शुरू कर दें। सुधा, अच्छा तो आखिर जाकर क्या सोचूं, कभी कभी मैके की याद आ जाती है तो उस दिन जरा देर में आंख लगती है। निर्मला, अच्छा डॉक्टर साहब की याद नहीं आती तुझे, चल झूठी। सुधा, कभी नहीं, उनकी याद क्यों आए, अरे जानती हूँ कि टेनिस खेल कर आए होंगे, खाना खाया होगा और आराम से सो गए होंगे, मुझे तो याद भी ना किया होगा। निर्मला, अच्छा लो सोहन भी जाग गया, जब तुम जाग गई तो भला ये क्यों सोने लगा, अब चलो सो अच्छे से। सुधा, हाँ बहन इसकी अजीब आदत है, मेरे साथ सोता है मेरे साथ ही जागता है, उस जन्म का कोई तपस्वी लगता है, देखो तो इसके माथे पर तिलक का कैसा निशान है और पांव पर भी ऐसे निशान है, मुझे तो लगता है ये जरूर कोई तपस्वी है। निर्मला, पर तपस्वी लोग तो चंदन तिलक नहीं लगाते, उस जन्म का कोई धूर्त पुजारी होगा, क्यों रे तो कहाँ का पुजारी है बता जरा। सुधा, इसका ब्याह मैं तेरी बच्ची से करूंगी। निर्मला, चल बहन गाली क्यों देती है, वैसे भी कभी भाई का ब्याह होता है। सुधा, मैं तो करूंगी चाहे कुछ हो, ऐसी सुंदर बहुर और कहां पाऊंगी, जरा देखो तो इसकी देह कुछ गर्म है या मुझे ही मालूम होती है। निर्मला ने सोहन का माथा छूकर कहा, नहीं नहीं देह गर्म है, ये ईश्वर कब आ गया, तू तो पी रहा है ना तेरा। सुधा, अभी सोया था, अब तो देह ठंडी थी, शायद सर्दी लग गई, उड़ाकर सुलाई देती हूँ सवेरे तक ठीक हो जाएगा, अब तू सो जाओ मैं भी सो जाती हूँ। सवेरा हुआ तो सोहन की दशा और भी खराब हो गई, उसकी नाक बहने लगी और बुखार और भी तेज हो गया, आंखें चढ़ गई और सिर झुक गया, वह न हाथ पैर हिलाता था न हंसा बोलता था, बस चुपचाप पड़ा था, ऐसा मालूम होता था कि उसे इस वक्त किसी का बोलना अच्छा ही नहीं लगता, कुछ कुछ खांसी भी आने लगी थी। अब तो सुधा घबराई, निर्मला की भी राय हुई कि डॉक्टर साहब को बुला लिया जाए, लेकिन उसकी बूढ़ी माता ने कहा, डॉक्टर हकीम साहब का यहाँ कुछ काम नहीं, साथ तो देख रही हूँ कि बच्चे को नजर लग गई है, भला डॉक्टर आकर क्या करेंगे। सुधा, अम्मा जी भला यहाँ नजर कौन लगा देगा, अभी तक तो बाहर कहीं गया नहीं। माता, नजर कोई लगाता नहीं बेटी, किसी किसी आदमी की ढीठ बुरी होती है, आप ही आप लग जाती है, कभी कभी तो माँ बाप तक की भी नजर लग जाती है, अब जब से आया है एक बार भी तो रोया नहीं, चंचल बच्चों की यही गति होती है, मैं इसे हुमकते देकर डर ही रही थी कि कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए, आंखें नहीं देखती हो, अरे कितनी चढ़ गई हैं, यही नजर की सबसे बड़ी पहचान है। बुढ़िया महरी और पड़ोस की पंताइन ने इस कथन का अनुमोदन कर दिया, बस मैगू ने आकर बच्चे का मुंह देखा और हंस कर बोला, मालकिन ये दीठ है और नहीं, जरा पतली पतली तीलियां मंगवा दीजिए, भगवान ने चाहा तो शाम तक बच्चा हंसने लगेगा। सरकंडे के 5 टुकड़े लाए गए, भेंगू ने उन्हें बराबर बराबर करके एक डोरे से बांध दिया और कुछ बुदबुदा कर उसी पोले हाथों से 5 बार सोहन का सिर हिलाया। अब जो देखा तो 5 तीलियां छोटी बड़ी हो गई थी, सब स्त्रियों को ये कौतुक देखकर बहुत दंग हुआ, अब नजर में किसे संदेह हो सकता था। महंगू ने फिर बच्चे को तीलियों से सहलाना शुरू किया, अब की तीलियां बराबर हो गई, केवल थोड़ा सा अंतर रह गया, ये सब इस बात का प्रमाण था कि नजर का असर अब थोड़ा सा और रह गया है। महंगू सबको दिलासा देकर शाम को फिर आने का वादा करके चला गया। बालक की दशा दिन को और खराब हो गई, खांसी का जोर हो गया, शाम के समय महंगू ने आकर फिर तीलियों का तमाशा किया, इस वक्त 5 तीलियां बराबर निकली, स्त्रियां निश्चित हो गईं, लेकिन सोहन को सारी रात खांसी गुजरी, यहां तक कि कई बार उसकी आंखें उलट गई। सुधा और निर्मला दोनों ने बैठकर सवेरा किया, खैर रात कुशल से कट गई। अब वृद्ध माता जी नया रंग लाई, महंगू ना नजर उतार सका इसलिए अब किसी मौलवी से फूं डलवाना जरूरी हो गया। सुधा फिर भी अपने पति को सूचना ना दे सकी, महरी सोहन को एक चादर से लपेट कर एक मस्जिद में ले गई और फूंक डलवा लाई। शाम को भी फूंक पड़ी पर सोहन ने सिर न उठाया। रात आ गई, सुधा ने मन में निश्चय किया कि अगर रात कुशल से बीतेगी तो प्रातःकाल पति को जरूर तार दूंगी, लेकिन रात कुशल से ना बीतने पाई, आधी रात जाते जाते बच्चा हाथ से निकल गया, सुधा की जीवन संपत्ति देखते देखते उसके हाथों से छिन्न हो गई, वही जिसकी विवाह का 2 दिन पहले विनोद हो रहा था आज सारे घर को रुला रहा है।
जिसकी भोली भाली सूरत देखकर माता की छाती फूल उठती थी, उसी को देखकर आज माता की छाती फटी जाती थी। सारा घर सुधा को समझाता था, पर उसके आंसू ना थमते थे, सब्र ना होता था। सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि पति को कौन सा मुंह दिखाएगी, उन्हें खबर तक ना दी थी। रात को ही तार दे दिया गया था और दूसरे दिन डॉक्टर सिन्हा 9 बजते-बजते मोटर पर आ पहुंचे। सुधा ने उनके आने की खबर पाई तो और फूट फूट कर रोने लगी। बालक की जलक्रिया हुई। डॉक्टर साहब कई बार अंदर आए किंतु सुधा उनके पास ना गई। उनके सामने कैसे जाए, कौन सा मुंह दिखाएगी। उसे अपनी नादानी से उनके जीवन का रत्न छीन कर दरिया में जो डाल दिया था। अब उनके पास जाते उसकी छाती के टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे। बालक को उसकी गोद में देखकर पति की आंखें चमक उठती थी। बालक हुमक कर पिता की गोद में चला जाता था। माता फिर बुलाती तो पिता की छाती से चिपट जाता था और लाख चुमराने दुलराने पर भी बाप की गोद को ना छोड़ता था। तब माँ कहती थी, बड़ा मतलबी है, आज वह किसे गोद में लेकर पति के पास जाएगी। उसकी सूनी गोद देखकर कहीं भी चिल्लाकर रोना पड़े, पति के सम्मुख जाने की अपेक्षा उसे मर जाना कहीं आसान जान पड़ता था। वह एक क्षण के लिए भी निर्मला को ना छोड़ती थी कि कहीं पति से सामना ना हो जाए। निर्मला ने कहा, बहन जो होना था वह हो चुका, अब उनसे कब तक भागती फिरोगी, रात को ही चले जाएंगे। अम्मा कहती थी, सुधा से सजल नेत्रों से ताकते हुए कहा, कौन सा मुंह लेकर उनके पास जाऊं, मुझे डर लग रहा है कि कहीं उनके सामने जाते ही मेरा पैर न थर्राने लगे और मैं गिर ना पड़ूं। निर्मला, अच्छा चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूं, तुम्हें संभाले रहूंगी। सुधा, मुझे छोड़कर भाग तो ना चाहोगी। निर्मला, नहीं 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 भागूंगी। सुधा, मेरा कलेजा तो अभी से उमड़ आता है, मैं इतना घोर वज्रपात होने पर भी बैठी हूं, मुझे यही आश्चर्य हो रहा है। सोहन को वह बहुत प्यार करते थे बहन, ना जाने उनके चित्त की क्या दशा होगी, मैं उन्हें ढांढस भी तो दूं तो क्या दूंगी। आप हो रोती रहूंगी, क्या रात को ही चले जाएंगे। निर्मला, हाँ अम्मा जी तो कहती थी कि छुट्टी नहीं ली है। दोनों सहेलियां मर्दाने कमरे की ओर चली, लेकिन कमरे के द्वार पर पहुंचकर सुधा ने निर्मला को विदा कर दिया, अकेली कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब घबरा रहे थे कि ना जाने सुधा की क्या दशा हो रही है। भांति भांति की शंकाएं मन में आ रही थी, जाने को तैयार बैठे थे लेकिन जी ना चाहता था। जीवन शून्य सा मालूम होता था, मन ही मन कुर रहे थे, अगर ईश्वर को इतनी जल्दी ये पदार्थ देकर छीन लेना था तो दिया ही क्यों था। उन्होंने तो कभी संतान के लिए ईश्वर से प्रार्थना नहीं की थी, वे आज जन्म में संतान से रह सकते थे, पर संतान पाकर उसे वंचित हो जाना उन्हें असहनीय जान पड़ता था। क्या सचमुच मनुष्य ईश्वर का खिलौना है? यही मानव जीवन का महत्व है। ये केवल बालकों का घरौंदा है, जिसके बनने का ना कोई हेतु है ना बिगड़ने का। फिर बालकों को भी तो अपने घरौंदे से, अपने कागज की नाव से, अपनी लकड़ी के घोड़ों से ममता होती है। अच्छे खिलौने का वो जान के पीछे छिपा कर रखते हैं। अगर ईश्वर बालक ही है तो वे विचित्र बालक हैं। किंतु बुद्धि तो ईश्वर का ये रूप स्वीकार नहीं करती। अनंत सृष्टि का कर्ता उदंड बालक नहीं हो सकता है। हम उसे उन सारे गुणों से विभूषित करते हैं जो हमारी बुद्धि का पहुंच से बाहर है। खिलाड़ीपन तो साउन महान गुणों में नहीं। क्या हंसते हंसते खेलते बालकों का प्राण हर लेना खेल है? क्या ईश्वर ऐसा पैशाचिक खेल खेलता है? सहसा सुधा दबे पांव कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए और उसके समीप आकर बोले, तुम कहां थी सुधा, मैं तुम्हारी राह देख रहा था। सुधा की आंखों से कमरा तैरता हुआ जान पड़ा। पति की गर्दन में हाथ डालकर उसने उनकी छाती पर सिर रख दिया और रोने लगी, लेकिन इस अश्रु प्रवाह में उसे असीम धैर्य और सांत्वना का अनुभव हो रहा था। पति के वक्ष स्थल से लिपटी हुई वे अपने हृदय में एक विचित्र स्फूर्ति और बल का संचार होते हुए पाती थी, मानो पवन से थरथराता हुआ दीपक अंचल की आड़ में आ गया हो। डॉक्टर साहब ने रमणी के आश्रु सिंचित कपोलों को दोनों हाथों में लेकर कहा, सुधा तुम इतना दिल छोटा दिल क्यों कर रही हो? सोहन अपने जीवन में जो कुछ करने आया था वह कर चुका था, फिर वह क्यों बैठा रहता? जैसे कोई वृक्ष जल और प्रकाश से बढ़ता है लेकिन पवन के प्रबल झोंकों ही से दृढ़ होता है, उसी भांति प्रणय भी दुख के आघातों ही से विकास पाता है।
खुशी के साथ हंसने वाले बहुत हो मिल जाते हैं। रंज में सो साथ रोएं, वही हमारा सच्चा मित्र है। जिन प्रेमियों को साथ रोना नहीं नसीब हुआ, वे मोहब्बत की मजे क्या जाने। सोहन की मृत्यु ने आज हमारे द्वैत को बिल्कुल मिटा दिया है। आज ही हमने एक दूसरे का सच्चा स्वरूप देखा है। सुधा ने कहा, मैं नजर के धोखे में थी हाय, तुम उसका मुंह भी ना देखने पाए। ना जाने इन दिनों उसे इतने समझ कहां से आ गई थी। जब मुझे रोते देखता तो अपने कष्ट भुलाकर मुस्कुरा देता। तीसरे ही दिन मेरे लाडले की आंखें बंद हो गई। कुछ दवा दर्पण भी ना करने पाई मैं। ये कहते कहते सुधा के आंसू फिर उमड़ आए। डॉक्टर सिन्हा ने उसे सीने से लगाकर करुणा से कांपती हुई आवाज में कहा, प्रिय, आज तक कोई ऐसा बालक वृद्ध ना मरा होगा जिससे घर वालों की दवा दर्पण की लालसा पूरी हो गई। तो इतना जो भगवान को होना था वो हो गया और हम दोनों को इस दुख का सामना मिलकर करना होगा। सुधा, निर्मला ने बड़ी मदद की मेरी। मैं तो एक आध झपकी ले भी लेती थी पर उसकी आंखें नहीं झपकी। रात रात लिए बैठी या टहलाती रहती थी। उसके एहसान कभी ना भूलूंगी। क्या तुम आज ही जा रहे हो? डॉक्टर, हाँ, छुट्टी लेने का मौका ना था। सिविल सर्जन शिकार खेलने गया हुआ था। सुधा, ये सब हमेशा शिकार ही खेला करते हैं। डॉक्टर, अरे राजाओं को और ही काम क्या है। सुधा, मैं तो आज न जाने दूंगी। डॉक्टर, जी तो मेरा भी नहीं चाहता। सुधा, तुम मत जाओ, तार दे दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, निर्मला को भी लेती चलूंगी। सुधा वहां से लौटी तो उसके हृदय का बोझ हल्का हो गया। पति की प्रेमपूर्ण कोमल वाणी ने उसके सारे शोक और संताप को हरण कर लिया था। प्रेम में असीम विश्वास है, असीम धैर्य है और असीम बल है।